हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग ऑब्सेशन। आज मैं आपसे ये बात करूँगा, ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, तो आज मैं आपसे ये बात करूँगा कि इसको हम कैसे प्रोपोगेट करें। तो ये स्पाइडर प्लांट है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। जैसे कि देख सकते हैं, जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इसमें कई सारे शूट्स निकलती हैं, इस तरह से शूट्स निकलती हैं, और इन शूट्स में ये फ्लावर्स आते हैं। इस फ्लावर से फिर ये प्लांट डेवलप होता है। तो ये प्लांट जो होता है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें कितने सारे शूट्स हैं। तो इस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, तो इसके नीचे से ये रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो इसको लगाने का दो तरीका है, या तो एक है रूट डिवीज़न और दूसरा है प्रोपोगेशन कटिंग के थ्रू। तो कटिंग के थ्रू करना है, तो उसके लिए चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम काट लेंगे, ये देखिए जैसे मैंने काट लिया। तो चलिए पहले मैं काट लूँ, तब आपसे मिलता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने ये कटिंग्स काट लिए हैं। तो आज मैं ये बताऊँगा आपको कि इसको हम कैसे लगाएं। तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रूट डिवीज़न के थ्रू या फिर ये कटिंग के थ्रू। ये तो अगर आप रूट डिवीज़न करना चाहें, तो जब आपको रिपोर्ट करते हैं प्लांट, तो इसके नीचे जैसे शकरकंद की तरह खूब सारी पल्प्स होती हैं, उसमें वाटर स्टोर रहता है। तो रूट डिवीज़न करके एक एक प्लांट, जैसे कि आप देखिए मेरे इस प्लांट में, इसमें कई सारे ये नीचे से डिवाइड होता रहता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक से कई सारे प्लांट्स हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है कटिंग के थ्रू, बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आज मैं आपको हैंगिंग बास्केट में लगाना बताऊँगा, और साथ ही साथ इसको आप किसी भी तरीके पॉट्स में लगा सकते हैं। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। तो पॉट्स में लगाने के लिए मिक्सचर की बात करें, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट कंपोस्ट में आप कोई भी तरीके का कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या गोट मैन्योर। इसमें मैंने गोट मैन्योर यूज़ की है। तो एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट कंपोस्ट, और उसमें थोड़ी सी मैंने राख मिलाई है। राख मिलाने का ये फ़ायदा है कि इससे जो भी फंगस अगर डेवलप होगा तो उसको कंट्रोल कर सकता है, या इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और एक और फ़ायदा होता है वो डैश का, जो राख हम कह रहे हैं, कि उसमें जो वीड्स डेवलप जाती हैं प्लांट्स में, वो नहीं डेवलप होती हैं। देखिए ये मेरा ये 6 इंची का पॉट है, ये हैंगिंग पॉट है, इसको हम लगाते हैं। तो इसमें लगाने के लिए पहले क्या करिए, ये देखिए कुछ सूखी पत्तियाँ हमने ले ली, तो इसके नीचे हम कुछ सूखी पत्तियाँ डाल देते हैं। सूखी पत्ते हैं ना, तो इसके नीचे आप कोई कपड़ा डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें फिल कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी कटिंग है, इसके नीचे ये देख रहे हैं आप, ये रूट्स हैं।
इसमें मैं दो प्लांट लगा रहा हूँ, दो कटिंग लगा रहा हूँ। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको हल्का सा होल करके इसमें दबा दीजिए और इसमें पानी दे दीजिए, फिर रूट्स डेवलप हो जाएंगी। 10 से 15 दिनों के अंदर रूट्स डेवलप हो जाएंगे। तो मैंने ये कटिंग लगा दिया है। दूसरा हम आपको बताएंगे कैसे कि आप किसी पॉट में, अगर आप हैंगिंग पॉट में नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ये छोटे छोटे कंटेनर्स में आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक ये दिक्कत है कि इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये रूट बाउंड हो जाएगा तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप 6 से 7 इंच के पॉट में लगाइए। तो चलिए हम लगाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसमें मेरा एक पार्ट मैंने जैसा उसमें लिया था, लेकिन इसमें मैंने क्या लिया है, 50% गार्डन सॉइल ली है और उसमें 20% मैंने कंपोस्ट डाली है और साथ ही उसमें मैंने 10% रेत का यूज़ किया है, बालू या रेत। आप रेत की जगह राइस हस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा, ये देख रहे हैं ये वो डैश है, एसी के बारे में बात कर रहा था, इसमें थोड़ा सा इसमें हम वो डैश मिला देंगे। तरीके से हम भी इसको लगा लेते हैं। तो इसमें हम होल करेंगे और इसको हल्का सा, बस ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे होल करके बस इसको प्लेस कर देना है और मिट्टी से साइड साइड में मिट्टी थंब की मदद से हम इसको दबा देंगे। देखिए लग गया। देखिए ये मैंने लगा लिए इतने छोटे पॉट्स में। आप किसी भी पॉट्स में, हम छोटे छोटे पॉट्स में लगा के ये कटिंग आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू।